क्या चाहिए बाहर से? इसको गरम बोतल चाहिए बस। गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। दादा करूंगी मुंह से खाना है तुम दोनों भाई ने, ठीक है? जो जीतेगा 500 रुपए पक्का यूज कर, ठीक है? तो गाइज ये सारा जो है पिछवाड़े ये जो सारा गाइज यहाँ के लोकल सब्जी मंडी मतलब गवर्नमेंट का सब्जी मंडी वहाँ से लाए। अगर ये चीज अगर आप यहाँ से खरीदोगे ना मतलब कुछ कुछ चीजों में तो ऑलमोस्ट डबल प्राइस है यहाँ पे। लूट है धनिया में तो इतना लूट है ना, इतना बेवकूफ बना के धनिया बेच रहे हैं यहाँ पे मार्केट में, धनिया पुदीना बहुत महंगा बेच रहे हैं। और लोग क्या होता है ना, ज्यादातर जो बैचलर्स लोग होते हैं जिनको प्राइस का नॉलेज नहीं वो जाके खरीद लेते हैं। ऐसा बिल्कुल मत करो, किसी भी गलत प्राइस को मत लो। आप लोग प्लीज रिसर्च करो और अच्छे मतलब उससे बार्गेनिंग करके ही खरीदना। बहुत बेवकूफ बनाते हैं, नींबू हर चीज में लूट रहे हैं। ये तो 20 रुपए किलो, कल एक किलो में 20-20 रुपए खा रहे हैं। कल 5 किलो भिंडी 100 रुपए, 100 रुपए 100 रुपीज को 5 किलो भिंडी, यहाँ कैसे 60 रुपए किलो है। 5 किलो भिंडी मिल रहा है 100 रुपए का, और यहाँ पे पता है 1 किलो भिंडी 60 रुपए का बेच रहा है। बाप रे, देखो गाइस कितना प्राइस का देख रहा है, कितना झूठ बोल रहा है। तो लूट लो, रखना पड़ता है, ज्यादा ना रखो ना। हाँ मतलब मार्जिन होना चाहिए, मार्जिन होना चाहिए। 40 रुपए ठीक लग रहा है, 35 रुपए ठीक लग रहा है। अरे 40 रुपए रख रहे हैं, 20 रुपए 20 रुपए पर केजी 20 रुपए रखो ना तो ठीक है। 10 रुपए किरे होगा, 10 रुपए अपने लिए दिन भर कितना बेचे, बहुत बेचते। अब कुछ लोग देखो सबका अपना अपना प्राइस है, जो लोग शॉप में लगा के बेच रहे हो शॉप का किराया भी निकालने के लिए 10-20 रुपए एक्स्ट्रा बेचता है। अब अपने अपने ऊपर है, लेकिन हाँ हमेशा अपना प्राइस पता होना चाहिए ताकि सामने वाले से बार्गेनिंग कर सको। क्योंकि गाइस क्या है, कल भी मैं गया था पीछे जहाँ से मैं लेता था ना बनाना, वहाँ मुझे हमेशा 20 रुपए का मिलता है। मैं थोड़ा सा आगे गया सेम वैसी दुकान, वहाँ 25 रुपए कह रहा है भैया एक दिन में प्राइस बढ़ गया। मैंने बोला कल आऊंगा तो अगर 20 में दिया, कह रहे सर हर दिन प्राइस अलग हो सकता है। तो क्या रहता है ना, हमारे आसपास में काफी बैचलर लोग रहते हैं और सोसाइटी है तो कॉलेज के स्टूडेंट रहते हैं, तो इस हिसाब से ना हम बैचलर लोगों को तो ज्यादा पता नहीं रहता क्योंकि इतना आइडिया रहता नहीं है। तो हम सोचते चलो यार इतना बोल दिया चलो ले लेते हैं, बट ये चीजें मम्मियों को बहुत नॉलेज होता है और जो घर चलाते हैं ना उन लोगों को बहुत ज्यादा नॉलेज होता है। तो गाइस किसी भी चीज का प्राइस ना डबल मत दो, और पहले पता करो और उसके बाद रिसर्च करो, देन उसके बाद खरीदो। आप किसी जो चीज 100 की है अगर उसे आप 300 में खरीदोगे तो फिर उन लोगों की हिम्मत इतनी बढ़ जाती है वो नेक्स्ट टाइम फिर उतने का ही देंगे, तो और ऐसा होता भी बहुत है। फैमिली वाले हम जैसे लोग तो मंडी जाने ही चाहिए क्योंकि हम बहुत 5 जने को फैमिली में तो चलो गाइस एक दिन मैं आप लोगों के लिए मंडी का वीडियो बनाऊंगा। सुन ना, घिया 8 रुपए किलो, ठीक है? इतना फ्रेश घिया यहाँ 40-50 रुपए किलो घिया बिका। तो गाइस मैंने एक दिन मंडी के ऊपर वीडियो बनाऊंगा और ये वीडियो मेरे को लगता है उन लोगों के लिए बहुत काम आने वाला है क्योंकि हमारे मोस्टली फैमिली लोग देखते हैं व्लॉग दिल्ली NCR से भी, तो उन लोगों के लिए तो बहुत अच्छा, वो जाके मंडी से लेके आ सकते हैं। और यहाँ पे दो तरीके की मंडी है, एक गवर्नमेंट वाली मंडी अलग होती है, एक प्राइवेट मंडी अलग होती है। तो प्राइवेट में जाते थे पहले हम, बट अब गवर्नमेंट वाला पता चला है जो हमारे घर से 10-15 मिनट की दूरी में, तो वहाँ पे प्राइस का बहुत डिफरेंस। अभी तो कोई चीज़ ऐसी थी जो 200-300 रुपये का गैप आ रहा था ना, तो ये हर चीज़ में बहुत ज़्यादा गैप है। चलो ये सबसे अच्छी चीज क्या है ना, लोग खुले में भी सब्जी दे रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि आप 5-5 किलो ही लो। अच्छा 5 किलो का क्या बोलते हो, वो जो क्या कह रहे थे थोक में धड़ी, तो वहाँ पे ऐसा नहीं होता कि तुम धड़ी में लो, धड़ी मतलब होता है 5 किलो इकट्ठे, वो लेने की जरूरत नहीं आपको। आप कोई फायदा नहीं, 5 किलो भी वही पैसा लगेगा, 2 किलो लोगे वही पैसा लगाएगा। बेस्ट रहेगा दो फैमिली जाओ मिलके, जैसे पड़ोसी जाओ 5-5 किलो उठाओ सामान, वैसे सही रहता है। वैसे हम लोगों ने भी 2-2 किलो 2.5 किलो भी लिया है, वो सब बेचते हैं, ऐसा नहीं है। चलो सामान जो होते हैं पूरा धैड़ी में बेचते हैं। सो गाइस मामा आ गई है, आ गई है, आ जाओ मामा आ जाओ। चार्जर ले लिया ना, प्यास लग रही थी गाइस बहुत ज्यादा, दिमाग खराब हो गया गाइस, मीटिंग में बहुत ज्यादा टाइम लग गया पता है। सो गाइस मैं आ गया रोहित के फ्लैट में। क्या हो रहा है एग्जैक्टली तुझे? वायरल हाँ, इसका गला भी खराब है, आवाज भी ऐसी निकल रही है। काफी लोग कह रहे थे प्रैंक वीडियो में कि मम्मा मेरी पिटाई क्यों कर रहे थे, क्योंकि इस वजह से कर रहा था गाइस मैं ड्रिंक नहीं करता, तो मम्मा को एकदम शॉक लगा कि ये कैसे पी रहा है, इसी वजह से मेरे को मारा। तो मम्मा सब कह रहे आपने मुझे इतना धोया क्यों? धोने का भी रीजन है, उसको तो कंट्रोल नहीं कर पाए, ठीक है? पहले बोला मेरे को अपना पार्टी वार्टी जाना पड़ता, मुझे थोड़ा सा पीना है, मम्मी बियर पी लो, हाँ बेहा कर दिया। अरे आप उसको कंट्रोल नहीं है, अब तू बिल्कुल नहीं पीता,
और तू पिया था मुझे गुस्सा बहुत आएगा, ठीक वही बात है, इतना ही है। अगर जिस दिन पी के पता चला ना, उस दिन फोन भी करा था ना, तू पिया तो नहीं बियर, घर आ जा मुझसे होंगे एक बार बोला था ना, फिर तूने नहीं पीना। पीने वाले को सुधरते नहीं है, बहुत गंदी आदत है, मुझे नहीं चाहिए दारू पीने वाला, खुद भी पीती हूँ मुझे पता है ना, इसीलिए मैं छोड़ ही नहीं सकती हूँ। मैं परेशान हूँ, कैसे छोड़ू बता दो, कैसे छोड़ू। आपको नशा मुक्त केंद्र ले जाना पड़ेगा, मैं सच में कब छोड़ू, इतना भी नहीं पीती हूँ, थोड़ा सा चाहिए होता सामने, ये दिक्कत है। देखो यहाँ पे कभी भी आ जाओ, हवा चल रही होती है बढ़िया वाली, और आज मुझे यहीं रुकना पड़ेगा क्योंकि रोहित की तबीयत ठीक नहीं है, उसका ध्यान रखना पड़ेगा, और उसके अलावा मामा भी रुक सकती है, देखते डिपेंड करता है, बट मैं ज़रूर यहाँ रुकूंगा। और उसके अलावा ये सुकून है यार, पीस है, कहते हैं मेंटल पीस तो है यहाँ पे, बट आफ्टर लॉन्ग टाइम आ रहा है इस वाली जगह पे, वरना अदरवाइज मैं आजकल अंदर ही रहता हूँ, क्योंकि क्या है कि आप लोग भी गेम पे बार बार एक ही व्यू दिखाते हैं, बट क्या इस सच में बता रहा हूँ, यहाँ पे बैठ के हमेशा हवा लगती है, जब भी आ जाऊँ यहाँ पे इतना अच्छा सा फील होता है ना एकदम, अभी यकीन नहीं करोगे, नीचे जाओगे ना एकदम उमस भरा हुआ, मतलब इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, बट यहाँ पे बिल्कुल फील ही नहीं होता है। और बाकी देख लो आप जब सनराइज़ होता है ना, बहुत अच्छा व्यू आता है गाइस, बहुत मज़ा आता है, मैंने काफ़ी अपने इंस्टाग्राम में भी डाल रखा। सो गाइस भैया और भाभी को छोड़ने आए हैं, क्यों आए हो आप लोगों को पता चल जाएगा। भाई मेरे को मिल गया गिफ्ट, जो रुस्ती मम्मी रूही सब ने मिल के दिया हुआ है, सब ने, और मेरे को बहुत बढ़िया लगता है कि जब मेरे को गिफ्ट व्यक्ति होता है, मेरे को बड़ा अच्छा सा लगता है, मतलब इट फील्स स्पेशल, पता नहीं अच्छा सा लग रहा है, मेरे पास पता है जो मेरे को चाहिए था ना वो आ गया, पता है मेरे पास, मतलब होता नहीं है, खरीदना भी चाहता था बट क्या करूँ यार, है ज़्यादा महंगा नहीं, बट प्रॉब्लम ये थी कि होता है यार, यू नो बेटे मेरा, मेरे सारे सेविंग आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, और मेरी फैमिली तो सपोर्ट करती है, इतना ज़्यादा प्यार, कुश्ती थैंक यू सो मच मेरे भाई, थैंक यू सो मच रोही मेरी जान, लव यू, चलो गाइस लव यू गाइस, बाय बाय। पीछे कितना बढ़िया दिख रहा है ना गाइस, और गाइस थैंक यू सो मच जो आप लोगों ने प्रैंक वीडियो को बहुत ज़्यादा पसंद किया, और सच में मेहनत तो बहुत थी उसमें, और ये लोगों को बहुत पसंद भी आया, और लव यू सो मच, थैंक यू सो मच, ऐसे प्यार करते रहो, सपोर्ट करते रहो, और आने वाले टाइम पे आप लोगों को और ज़्यादा प्रैंक वीडियो मैं लेके आऊँगा, और इस बार जो प्रैंक लेके आऊँगा ना वो बहुत बढ़िया वाले प्रैंक वीडियो की प्लान कर रहा हूँ, जिसमें आप लोगों को मज़ा बहुत आएगा, और आप लोग प्रैंक वीडियो को पसंद भी बहुत करते हो। बाकी मैं थोड़ा देर नीचे वॉक कर रहा हूँ, मैंने सोचा क्योंकि आप लोगों को पता है रोही की तबीयत ठीक नहीं है, तो रोही का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, मम्मा और मुझे मिलके, अगर मम्मा चले जाएंगे मैं तो यहाँ रहूँगा, और हम लोगों की फैमिली में एक बॉन्डिंग बहुत अच्छी है गाइस, और ऐसी होनी चाहिए गाइस, मतलब बुरे वक्त हो अच्छे वक्त में हम सब लोग साथ में रहते, और मेरा व्लॉग मेरा चैनल का मेन पर्पस यही होता है कि आप लोग सब मिल के रहो, और आई नो हर घर में थोड़ी बहुत ऊपर नोक झोंक तो होती रहती है, बट यार वही एक ही फैमिली है तो मिलजुल के रहना चाहिए, और कहते हैं ना मुट्ठी रहते तो पावर, अगर सब अलग अलग रहेंगे तो फिर थोड़ा कम हो जाता है। और आज मैं थोड़ा आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये जगह तो ठीक है गाइस, बट आसपास में ना यहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है, इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत आती है, यहाँ पे कुछ चीज़ मंगवाने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो अब मैं आप लोगों को सीधा ना ऊपर जाके मिलता हूँ। सो गाइस मम्मा और मैं तो जा रहे हैं बाहर कुछ खाने के लिए, एंड आई थिंक उसके लिए लेके जाना, लेके आना उसके लिए कुछ, तो गाइस बहन की तबीयत ठीक नहीं है तो अब इसके लिए गर्म बोतल लेके आना है। यहाँ पे एक चीज दिक्कत है यहाँ पे ना, वो चीज नहीं यार, एकदम जब मन चाहे तब चाय बना लो, ये तो कुछ है बहन, ये क्या है, बनता है लेकिन चाय पत्ती होती नहीं है। अच्छा मुझे लग रहा है कि बिल्कुल ही नहीं है, तो मम्मा आज मम्मी ये चप्पल पहन के जा रहा है, कितना प्यारा चप्पल है, चलो चलो चलते, चाबी ले लिया है, ऑनलाइन पेमेंट, चल बाय बहन, ध्यान रख अपना। मैं और मम्मा आए बाहर, आप लोगों को पता है क्यों आए, एक तो मुझे एक सामान उठाने, देन उसके बाद मम्मा मैं कुछ खाने जाएंगे, और आज हम ट्राई करेंगे कुछ नई जगह से एक्सप्लोर करेंगे। मम्मा इधर भी एक स्ट्रीट फूड, ये मार्केट है बाल भारती के सामने, देखते है गाइस, पार्किंग का बड़ा इशू आजकल ना, पार्किंग मिलते नहीं गाइस इतना इजीली ना, इसी वजह से हम थोड़ा सा बहुत सोच समझ के निकलते हैं। और मम्मा आपको भी कुछ लेना है ना, पहले ले लेंगे फिर खाएंगे, मम्मा को तो नींद अभी से आना स्टार्ट हो गई। सो गाइस हम मार्केट पहुंच गए, मलाई चाप ऑर्डर करा हमने और रुमाली रोटी, और अभी वेट कर रहे अपने ऑर्डर का, और ये सेक्टर 27 में पड़ता है, और ये मार्केट का नाम है अंजलि मार्केट, तो यहाँ पे पूरा खाने का, इधर भी खाने का इधर भी खाने का, मलाई चाप तैयार हो रहा है,
शिमला मिर्च तो बहुत जरूरी है। ये क्या भैया, ये ऑयल है क्या? अच्छा बटर है। मामा ऑर्डर दे रही है पूरा। शिमला मिर्च तो नाम के लिए डाल रहे हो आप सिर्फ। नहीं फ्लेवर ही आता है, फ्लेवर के लिए होता है। मम्मा क्लास लगा रही है। फाइनली गाइस शिमला मिर्च डाल रहे हैं भैया मम्मी के कहने पे। मम्मा शिमला मिर्च से क्या होता है? नहीं फ्लेवर अच्छा आता है, हर जगह शिमला मिर्च वाला मिलता नहीं है क्या? हां मिलता है। चलो इसी का तो फ्लेवर है। तो गाइस अब शिमला मिर्च भी डाल रहे हैं, तो अब ये रेडी वेडी होके हम सीधा गाड़ी में लेके खाएंगे। तो गाइस गाड़ी में बैठ के खा रहे हैं। मैंने एक वेज रोल मंगाया अपने लिए, क्योंकि आज ये डिनर और क्या है दूसरा है हमारा चाप। चाप भी अभी खा लो मामा, अभी गर्म है, मज़ा आएगा खाने में। तो गाइस ये मार्केट आप एक्सप्लोर कर सकते हो, सेक्टर 27 में पड़ता है, कैम्ब्रिज स्कूल के बिल्कुल सामने, और ये है अंजलि मार्केट है। क्या नहीं है टूथपिक? क्या जरूरत है उसको खाने के लिए? अरे यार कोई नहीं, इससे टूथपिक बना लो। चाप का रिव्यू देंगी मम्मा। कैसा? बढ़िया। अच्छा यहाँ का खाना बढ़िया गाइस। सही है गाइस, बढ़िया गाइस। हम आ गए सोसाइटी में और हमारा डिनर भी हो गया, डिनर यही था। चलो मामा बाय। तो गाइस मैं दोस्त के लिए भी ये लेके आ गया, जाके सो जाना एकदम से, उसके लिए गिफ्ट सरप्राइज रखना। आराम से मामा, देखो ना गाइस कितनी क्यूट लगती है मेरी माँ। तो गाइस अब मैं वीडियो को व्लॉग को कंटिन्यू करूँगा दोस्त से मिलके, तो अब सीधा आप लोगों को मैं मिलता हूँ, एक घंटे बाद मिलता हूँ। बैक टू होम, और अब मैं जा रहा हूँ सोने, बिकॉज कल मुझे 5 बजे उठना है। और इतना ही गाइस, तो आज के व्लॉग को वीडियो को यहीं एंड करते। दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आए। अगर आपको वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। अगर आप मेरे चैनल पे नहीं, जाके जरूर बेल आइकन दबाइए। मिलते हैं नई वीडियो नई व्लॉग के साथ। टाटा बाय बाय, सी इन माय नेक्स्ट वीडियो। आई लव यू एंड गुड नाइट।